यहाँ पर ईजी ओजी दोनों गेम से बाहर हो चुके हैं। अब हमारे पास बचे 14 टीम 47 प्लेयर। डेस्ट्रो यहाँ पे नॉक हो चुके हैं, डेस्ट्रो को रोटेट कर रहे हैं और उस दौरान नॉक होना इज अ वेरी वेरी बैड न्यूज फॉर देम। निग्मा गैलेक्सी अब एक नए हिस्से से सर्कल में एंटर बना रही है, बट वो सर्कल के अंदर काफी दूर है। बट सेंटर अभी भी टीम सोल के पास, अगर वो टिक गए यहाँ पर पोडियम तो कन्फर्म है इस गेम के अंदर। Nigma Galaxy, yes, they are trying to move forward. They definitely are. FS के क्लच की बात करी जाए, उनके पास 4 स्मोक्स हैं, कोई और थ्रोएबल है ही नहीं। एक इस्तेमाल कर लिया है, अब बचते हैं 3। Nigma Galaxy के ड्रीम्स को देखिए, शायद उनको पता भी ना हो कि कौन उनका शिकार करने के लिए बिल्कुल करीब बैठा है। God like a shadow, ग्लोबल स्पोर्ट के नकुल को डैमेज देते नजर आएंगे। इनफैक्ट डाउन किया है मान्या। दिस टीम वाज टॉपिंग ऑफ द टेबल, लेकिन अब ये एक खिलाड़ी के साथ बची और शायद ज्यादा बची भी ना रहे। गॉब्लिन का एक ग्रेनेड जाएगा नकुल को फिनिश करता हुआ, लेकिन वो फिनिश शैडो को मिल ही चुका है, उनको उनका फिनिश मिल चुका है। मान्या हिस्सेल आउट देयर, अगला ग्रेनेड दूसरी डायरेक्शन में जाता है। मान्या को कोई मूवमेंट नहीं करनी, अगर मूवमेंट करी शायद उनके लिए खराबी हो सकती है, लेकिन वो जो गाड़ी है वो भी वहां पर ब्लास्ट आउट हो चुकी है, मतलब मान्या को यहीं पर सर्वाइव करना पड़ेगा। लेकिन उनको स्पॉट किया जाएगा, इनफैक्ट फिनिश किया जाएगा। सोल ग्लोबल स्पोर्ट्स को एलिमिनेट करती है, बट गॉड लाइक एक्सो के साथ एक फाइट, काफी अच्छी फाइट चल रही है यहाँ पे। Nigma Galaxy भी यहाँ पर FS जो बिल्कुल ओपन होल्ड करके बैठे हुए थे, वहाँ पे होल्ड करके बैठे गए, ये फाइट थी जहाँ पर सब कुछ बदल गया था। मान्या होल्ड करके बैठे थे, बग्गी का कवर ले रहे थे, बट ओमेगा का रन एंड गन वाज एब्सोल्यूट ऑन फायर। FS के कुछ प्लेयर ओपन के अंदर नॉक हो रखे और बाकी के प्लेयर्स ब्लाइंड को टारगेट कर रहे हैं। Nigma Galaxy क्या बोलो, बहुत टाइम हो गया इस प्लेयर को चमकते हुए, लेट्स सी क्या इस गेम के अंदर वो कुछ कर पाएंगे। क्लच विक्सी को नॉक कर चुके, MJ क्लच को नॉक कर देंगे, मैडमैन रॉबिन यहाँ पे ओपन ओपन एरिया के अंदर एक इंटेंस फाइट की शुरुआत बैक टू बैक। लेकिन अभी भी उनको जीवित रहना पड़ेगा। अल्ट्रॉन का था वो ग्रेनेड जो कि डेफिनेटली ओवेज को लेकर गया। Nigma Galaxy का हो चुका है एलिमिनेशन। 11 टीमें 32 लोग अभी के लिए सर्वाइव कर रहे हैं। 20 ने बिल्कुल सामने 420 को स्पॉट किया जरूर है। 420 एक ऐसे खिलाड़ी है जिन्होंने अपने टीममेट्स में एक नई जान भरी थी, बट गॉड लाइक के खिलाड़ी 8-bit को खत्म करते नजर आएंगे और 420 को इस चीज का अंदाजा भी नहीं है। उनके थ्रोएबल्स अभी भी सामने ही जा रहे हैं, उनको लग रहा है कि वहां पर है कोई ना कोई। बट गॉडलाइक इज ऑन अ रोल, ऑलरेडी 8 फिनिशेस निकाले किस टीम ने, चारों प्लेयर जिंदा है। जोन की अगर बात करेंगे, जोन से बाहर नहीं है, बट वो एक कैसे करें कॉर्नर पकड़ के बैठे हैं और जब वो सर्कल के अंदर एंट्री लेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी। बट अभी देखिए नियो यहाँ पे ओवेस को नॉक कर चुके हैं और 420 को भी परेशानियों में लाते हुए एक आधा प्लेयर और यहाँ पर खत्म हो जाएगी टीम एनिग्मा फॉरएवर। अब मैक्स का है तो ब्लू जोन का डैमेज टैंक करेंगे। 21 मिनट गेम के अंदर हो चुका है तो ब्लू जोन आसान ही दिखने वाला, प्रोन शॉट कुछ भी कर लीजिए, आज गॉर्डल हार नहीं मारेगी। अभी बोला था मैंने 8 फिनिशेस, अभी के लिए 13 फिनिशेस गॉर्डल के खेमे में। बट स्काईलाइट यहां पर गॉडलाइक का वो रथ रोकने की कोशिश कर रहे हैं। नियो को किया जाएगा फिनिश, दो फिनिश सोमराज के पास आ चुके हैं। जी गॉड बिल्कुल पीछे की तरफ, शैडो जोनाथन वो भी सर्वाइव करे। एक ग्रेनेड स्प्लैश डैमेज में सोमराज को डाउन किया करने की कोशिश थी, लेकिन पुकार कह रहे यहां पर डाउन हो चुके हैं। गमला बॉय सोमराज की एचपी बहुत ज्यादा कम और वो सर्कल के पीछे भी है। ये गॉडलाइक अब बहुत ज्यादा गुस्से में है, इनका एक टीममेट खत्म हुआ है, इनको पता है कि क्या करना है, इनको इनका असाइनमेंट बिल्कुल सामने दिख रहा है। एक तरफ चिकन डिनर, दूसरी तरफ स्काईलाइट्स के खिलाड़ी बिल्कुल पीछे, हालांकि अभी भी 60 टीमें हैं, बट सर्कल के अंदर टीम सोल टीम ब्लाइंड ये अभी भी सरवाइव कर रहे हैं। अब यहां पे ओआर के पास अच्छा खासा मौका, अगर ये जाकर ब्लाइंड को कर दे सरप्राइज एंड दे सिक्योर दैट जोन हो सकता है। बट आप सिक्योर कर सकते हो अपना फ्री चिकन डिनर, स्विगी आपको दे रहा है, QR कोड को स्कैन करें एंड यू विल बी गेटिंग द चांस टू विन अ फ्री डिनर। एंड हु इज पेइंग द बिल, फिर से बता रहा हूं, इट्स स्विगी। सो इस गेम के अंदर इंटेंसिटी अब आसमान पार कर चुके हैं। 60 टीम 19 प्लेयर बचे हैं, गॉडल के पास अभी 14 फिनिशेज, उनका एक और प्लेयर नॉक होता हुआ देखा, दैट इज शैडो जी। और वहां पर सोल अब उनको जोन के अंदर एंटर नहीं करने देगी, उनको पता है कि अगर यहां पर गेट कीप कर गए देन सोल भी ढेर सारे फिनिशेज उठा सकते हैं। अभी उनके पास मात्र 3 फिनिशेज है। जी गॉड इज इन डेंजर, अक्षत का ग्रेनेड गॉब्लिन को लेकर गया। नो 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 नो, दिस शुड नॉट हैपन, दिस इज नॉट हैपनिंग इन द सिचुएशन। लेकिन वहीं पर गॉडलाइक का एक खिलाड़ी बचा है, जॉनथन को रिवाइव करना बिल्कुल ही मुश्किल हो जाएगा इस पूरी सिचुएशन में। थ्रोएबल्स का इस्तेमाल और किया जा रहा है, अक्षत चाहे थ्रोएबल मार सकते हैं। यस, सी गॉड का ग्रेनेड सोल अक्षत को लेकर के जाता हुआ, गॉब्लिन He's down as well. इस समय ओमेगा को देखना पड़ेगा क्या किया जाए, हेक्टर को देखना पड़ेगा क्या किया जाए। थ्रोएबल बिल्कुल साइडलाइंस में आता, जी गॉड अभी भी सर्वाइव करें, उनके पास हील करने के लिए मात्र 2 बैंडेजेस रहने वाले। जी गॉड का फिनिश उठाने की पूरी पूरी कोशिश करी जा रही है, ब्लाइंड के खिलाड़ी कोशिश करें, बट जी गॉड इज मूविंग फॉरवर्ड। दिस सपोर्ट इज बिकमिंग द असॉल्टर राइट नाउ एंड दिस असॉल्टर डोज हिज असाइनमेंट एज ही वांट्स टू जस्ट टेक एवरीवन डाउन, बट ओमेगा थ्रू द स्मोक जस्ट टेक्स हिम आउट। दिक्कत है
गॉडलाइक के इतने बड़े रश को रोका गया है, रथ को रोका गया है। बहुत सारी फिनिशेस निकाली बट पोजीशन में कहीं ना कहीं वो पॉइंट चूक गया। अगर यही टॉप थ्री के अंदर चले जाते एक अलग ही बात, एक अलग ही महफिल यहाँ पे रच दी थी गॉर्डन। बट चार टीमें 11 प्लेयर, ब्लाइंड के 4 प्लेयर जिंदा है, सोल के पास 3 प्लेयर जिंदा है, टीम इनसेन विद 2 प्लेयर एंड स्कारलाइट विद अ लोन सर्वाइवर। ओमेगा ने बहुत शातिर खेला। सोल का लास्ट प्लेयर भी यहाँ पे रिवाइव हो चुका है। आपको पता है आपके सामने अगर दीवार है टीपीपी लेफ्ट राइट, आपको प्री फायर करा, उन्होंने स्मोक में प्री फायर करा और लकीली ही कनेक्टेड दो शॉट एंड ही एलिमिनेटेड जी गॉड फ्रॉम दिस मैच। गॉर्डन वाज़ ऑन अ रोल, बहुत जरूरी था उनको रोकना। अगर यहाँ पे नहीं रुकते देन सीधा वो चिकन डिनर पे रुकते। सोल के पास अब मोमेंटम है, उन्होंने एक अच्छी फाइट जीती है, उनके पास मैन एडवांटेज भी अच्छी खासी। असली जंग मुझे लगता है नाउ इट्स बिटवीन ब्लाइंड एंड सोल। इनसेन के खिलाड़ी लेकिन कुछ तो शायद बदल नहीं, कुछ कैसे लगते हैं। ग्रेनेड अक्षत का जाएगा, दिस टाइम द ग्रेनेड्स आर हिटिंग एट द राइट मार्कर्स एज अक्षत गेट्स दैट एलिमिनेशन, गॉब्लिन गेट्स दैट एलिमिनेशन और यहीं पर टीम इनसेन का होता है सफाया। बचती है 3 टीमें जिसमें स्काईलाइट्स का है 1 खिलाड़ी, बट सोल ने धावा बोल दिया है ब्लाइंड पर। सोल आज कोई गलती नहीं करना चाहती, आज सोल इतना सीरियस है उन 15 अंकों के लिए कि उनको पता है उनको सिर्फ आगे जाना है, 15 को छूना है, पकड़ना है, हक करना है और सीधा बोलना है कि ये कल छूट गया था बट आज वो मूव कर रहे हैं। ओमेगा सर्कल के अंदर है, बाकी सोल के खिलाड़ी मूव कर रहे हैं, अक्षत भी आगे की तरफ को जा रहे हैं, वो जल्दी से जल्दी इस गेम को खत्म करना चाहेंगे। हेक्टर ही इज मूविंग फ्रॉम अराउंड द जोन एज वेल एज ही जस्ट वांट्स टू सी एवरीवन फ्रॉम द प्लेयर्स ऑफ टीम ब्लाइंड एंड सोल के प्लेयर्स जिस तरीके से मूव किए मुझे लगता है थ्रोएबल्स भी इनके पास अच्छे खासे रहने चाहिए। अभी अभी इन्होंने बिल्कुल ब्लड बात कर दिया था वहां पे, इट वाज अ मीट ग्राइंडर सिचुएशन फॉर एवरीवन। तो ढेर सारी लूट तो कलेक्ट कर ली होगी, पहले गॉडल को उन्होंने गेम से बाहर निकाला, फिर इनसेन को हराया, लूट की दिक्कत नहीं होने वाली। बट अभी के लिए सोमराज इनके पास फर्स्ट एड तक नहीं है, लेवल 1 हेलमेट एक ही एम के भरोसे पे अभी भी टिके हुए हैं। अभी उनको जो पॉइंट चाहिए थे 10 पॉइंट थर्ड पोजिशन के वो मिल चुके हैं। अब क्या ये 10-12 हो सकते हैं, बहुत बड़ा सवाल है। तो जिस स्पीड से सोल चल रही है अगले कुछ क्षणों के अंदर कुछ ना कुछ तो अलग देखने को मिल सकता है। सर्कल आ रहा है, सर्कल ब्लाइंड पर बिल्कुल नहीं है, ब्लाइंड के खिलाड़ियों को आगे की तरफ को मूव करना है, स्काईलाइट्स के सोमराज को आगे की तरफ को मूव करना है। टीम सोल, दी सोल्जर्स, दे वांट 15 पॉइंट्स, दे वांट द ट्रॉफी एज वेल। हालांकि उसकी बात 2 दिन बाद रहेगी बट उसके लिए जो रेस चल रही है उसमें अभी भी बैटन इनके हाथ में ही है। धीरे धीरे ये लोग आगे की तरफ को अपना मूवमेंट देखेंगे। जैडी उनकी एचपी थोड़ी सी कम है, डेफिनेटली खुद को हील जरूर कर लेंगे, लेकिन इस सब के बीच में जैडी शायद अगर राइट पर देख लें तो वहां एक फिनिश हो सकता है। जो आपने बात करी थी कि सोमराज 12 अंक लेना चाहते हैं, लेकिन सोमराज को एलिमिनेट कर लिया तो ब्लाइंड के लिए राइट हैंड साइड भी खाली हो जाएगा, जो कि एक सही चीज रह सकती है। वहीं पर अक्षत जंप्स ले रहे हैं, सोमराज आगे मूव करें, द सर्कल्स गोना क्लोज इन एंड दिस जोन माइट एज वेल जस्ट शोकेस समथिंग डिफरेंट टू द प्लेयर्स ऑफ टीम ब्लाइंड। अब यहाँ पर सोमराज का पोजीशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल भी देखा था सोल के 4 प्लेयर जिंदा थे, एक प्लेयर उनको बैक स्टैब करके आया और उनकी जो खुशी थी एक पल में छीन ली थी। अगर आज सोमराज ऐसा कुछ एग्जीक्यूट करके देन सोल इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी, क्योंकि हर बार इतने डोमिनेटिंग फैशन के अंदर वो फाइनल सर्कल तक आती है। बट यहाँ पे अक्षत स्पॉट किया सोमराज को, इंस्टेंटली उनकी कहानी खत्म करी और स्कारलाइट्स होती है एलिमिनेट थर्ड पोजीशन में। 3 फिनिशेस निकाले, इसका मतलब पूरे 13 पॉइंट अपने हिस्से लिख देंगे। अब है असली जंग 4v4 और इससे ज्यादा इंटेंस आई डोंट थिंक ओशन कुछ होता है। 35 सेकंड का समय है इस सर्कल को क्लोज इन करने में, लेकिन प्लेयर्स की लोकेशन पता है, वो गाड़ी के पीछे का कवर वो पता है। हालांकि इसी के बीच में अक्षत पहले प्लेयर को डाउन करेंगे, अक्षत ने वहां पर मेन मैन स्काईलाइट्स सोमराज को डाउन किया था, फिनिश किया था, इनफैक्ट बाहर किया था और अब ब्लाइंड के डेडपूल को भी डाउन कर चुके हैं। ये गेम सोल को चाहिए, इतनी बार #2 आए हैं 7 गेम्स के बाद, ये 8वां उनके लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन ओमेगा के ऊपर आया है डैमेज। ओमेगा समझ के ओवर कमिट करने का कोई फायदा नहीं होगा, खुद को सेफ रखा जा रहा है। जैडी के पास 19 गोलियां, बैकपैक ना होना मतलब शायद ये आखिरी 19 गोलियां भी उनके लिए बन सकते हैं, लेकिन वहीं पर ब्लाइंड के रेस को डाउन करने को बाप ने भी द्वारा तो गॉडलिन है स्पीकिंग, ओमेगा स्पीकिंग एज वेल एंड दे आर रोरिंग राइट नाउ फॉर 15 पॉइंट्स एज ब्लाइंड दे माइट जस्ट बी इन अ होल वर्ल्ड ऑफ ट्रबल। गॉब्लिन आगे की तरफ को जंप एंड पंच करके जा रहे हैं, विलियम्स को भी देख लिया जा चुका है, मतलब उसको फिनिश करेंगे और यहां पर लेकर के जाती है टीम सोल फाइनली आफ्टर 7 #2s।